अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इसका हमारा यूनिट नंबर 2 है, द एनिमल वर्ल्ड, और टॉपिक सॉरी लेक्चर नंबर हमारा 4 था इस यूनिट का। आज हमने बुक पेज नंबर 22 करना है, और 22 से आज जो वर्टिब्रेट ग्रुप्स का फर्स्ट वाला जो वर्टिब्रेट ग्रुप की क्लास है मैमल, उनके अबाउट पढ़ना है। ये पेज नंबर 20 से हमने एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अबाउट किया था ना। वर्टिब्रेट किंगडम में क्या था, मैमल्स जो थे, सबसे पहले हम उनके अबाउट पढ़ने लगे आज कि मैमल्स जो हैं वो क्या होते हैं। जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, आप हो, ठीक है, हम क्या हैं, मैमल है। एलिफेंट है, वो भी एक मैमल है। माउस, बैट, ये सब क्या है, दीज आर डिफरेंट मैमल्स। तो वेल्स होती है, ठीक है, ये भी क्या है, मैमल है। सारी जो आपको सामने पिक्स नजर आ रही है, बुक पेज नंबर 22 ओपन करें, यहाँ पर देखें, ये सब क्या है, दीज आर मैमल्स। अब हमने ये देखना है कि इनमें क्या चीज ऐसी कॉमन है जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इन सब को मैमल ग्रुप में क्लासिफाई किया है। यानी कि एलिफेंट के अंदर, हमारे अंदर, वेल के अंदर, माउस के अंदर, इन सब एनिमल्स में क्या चीज कॉमन है जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इन सब को क्या किया हुआ है, मैमल ग्रुप में क्लासिफाई किया है। तो इनके अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। जितने भी मैमल्स होते हैं, सारे मैमल्स इस वर्ल्ड में जितने भी मैमल्स हैं, उन सब के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर जो खसूसियात हैं, ये इनके अंदर कॉमन होती हैं। कौन कौन सी हैं, दे आर वार्म ब्लडेड। ये सारे वार्म ब्लडेड हैं। जैसे हम लोग हैं, हम भी मैमल हैं, हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। इसी तरह से एलिफेंट है, वेल है, माउस है, बैट है, और बहुत से एनिमल्स जो क्या हैं, मैमल्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। यानी कि उनका ब्लड जो है वो वार्म रहता है, बॉडी टेम्परेचर उनका कॉन्स्टेंट रहता है। चाहे इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहता है। इस तरह से सेकंड में क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम देयर मेमोरी ग्लैंड्स। इसी तरह से जो फीमेल्स होती है मैमल्स में, वो अपने बेबीज को क्या करती है, अपनी मेमोरी ग्लैंड्स के जरिए से फीड करवाती हैं। ये भी इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सारे मैमल्स के अंदर ऐसा होता है। सारे मैमल्स में जो फीमेल्स होती है वो अपने बेबीज को इसी तरह से फीड करवाती है। अब जो इनमें थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, दे हैव हेयर और फर। कि या तो इनकी बॉडी के ऊपर हेयर होंगे या इनकी बॉडी के ऊपर फर होंगे। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जितने भी मैमल्स हैं वो आपस में कॉमन है। यानी कि इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से साइंटिस्ट ने मैमल ग्रुप को एक अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा मैमल होने का एक और फायदा ये होता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो मींस दैट हम किसी भी तरह का एनवायरमेंट होगा वहां पर रह सकेंगे। ये नहीं होगा कि टेम्परेचर जो हमारा चेंज हो रहा है तो हम क्या करें, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हम भी चेंज हो जाए। तो वार्म ब्लडेड होने का एक फायदा ये है कि मैमल जो है वो किसी भी तरह के टेम्परेचर में रहने के काबिल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। इसी तरह से इसका एक और फायदा ये भी है मैमल होने का कि इनकी बॉडी पर या तो हेयर है या फर है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके हेयर होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे जिनकी बॉडी पर फर होते हैं। तो इसका एक ये भी फायदा है कि वो एनिमल्स को वार्म रखने में, इनकी गर्म रखने में, उनकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प आउट करती है। तो जिसकी वजह से इसके अलावा एक ये भी है कि उनका जो कलर होता है उनके हेयर का या फर का, उनको कैमोफ्लेज भी कर देता है ताकि वो अपने प्रीडेटर्स वगैरह उनसे बच जाए। बहुत से ऐसे जैसे फॉक्स है एक, तो वो फॉक्स जो है उसके बॉडी के कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। वो सी उधर रहती है आइसलैंड, आइसी एरिया में जो रहती है फॉक्स, उसके साथ ऐसे होता है कि उसकी बॉडी के जो कलर है वो जिस तरह का एनवायरमेंट होता है उसी तरह से उसके बॉडी का कलर भी हो जाता है। इस वजह से वो अपने प्रीडेटर्स वगैरह से इजीली बच जाते हैं। तो वार्म ब्लडेड होने की वजह से एक तो ये कि हमारे
हर तरह के जो टेम्परेचर है उसमें इजीली रह सकते हैं। दूसरा ये फायदा है कि इस वजह से हम अपने प्रीडेटर से, मैमल्स जो होते हैं, एनिमल जो है वो अपने प्रीडेटर से सेव रह सकते हैं, बच जाते हैं और उनका शिकार नहीं होते। अब आगे जो मैमल्स हैं उनको तीन तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो ग्रुप्स कौन से हैं और किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, आपने आज बुक पेज नंबर 22 से मैमल्स के अबाउट हमने पढ़ा है, इसको घर में अच्छी तरह से रीड आउट करें इस पूरे पेज को, और इंशाल्लाह ताला कल हम आगे मैमल्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आगे तीन ग्रुप जो इन्होंने बुक में बताए हैं, हम उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।